सत्येषं सत्यसंकल्पं सत्सत्यार्कसमं प्रभुं सत्यचर्यं सत्ययोनिं सत्यशीर्षं महं भजे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सभी हमारे भागवत परिवार के सभी आत्मीय प्रेमी जनों के हृदय में भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए श्रीधाम वृंदावन भागवत पीठ में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पूर्व में अवगत है, वैश्विक महामारी इस COVID-19 कोरोना जो वर्तमान में चल रहा है, मैं अनेक दिनों से लॉकडाउन सत्संग के माध्यम से आप सबके साथ एक भगवत वार्ता में, हरि चर्चा में निरंतर संलग्न रहा हूं। वहां कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं, केवल परस्पर बैठ करके एक संदेश के माध्यम से, एक मैसेज के माध्यम से, जिससे कि जो वर्तमान समय चल रहा है, उस वर्तमान समय में हमारा आत्मबल कमजोर ना हो और हम अपने उस आत्मबल के साथ इस संकट की घड़ी को निकाल करके ले जाएं। कालक्षेप कैसे हो, तो कालक्षेप के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, वेदों में यही आज्ञा दी, जब एक जीव को, मानव को कालक्षेप करना हो तो केवल उसमें हरि वार्ता, हरि चर्चा, सत्संग, भगवान नाम संकीर्तन, इससे कोई सुंदर उपाय हो नहीं सकता। आज मन में भाव आया कि आचार्य पीठ से क्यों ना मैं आज 3 महीने के बाद आश्रम भागवत पीठ पर मेरा आज आना हुआ और सोचा क्यों ना आज भागवत पीठ आश्रम से आपको कुछ संदेश मैं यहां पहुंचाऊं। सबसे पहले तो जो लोग जानते हैं उनको तो बहुत कुछ मुझे नहीं बताना, लेकिन जो लोग अवगत नहीं हैं इस भागवत पीठ आश्रम से, संक्षिप्त में उनको मैं बता दूं। यहाँ श्रीधाम वृंदावन में यह जो भागवत पीठ आश्रम है, बिल्कुल प्रेम मंदिर के समीप, केशवधाम के निकट है, और ये भागवत पीठ आश्रम का जो निर्माण है, जिसमें भागवत सभागार से आप सबके बीच उपस्थित होकर के यहाँ कुछ चर्चा करने बैठा हूँ, इस भागवत पीठ आश्रम का यही एकमात्र मोटिव है, एक उद्देश्य है। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से इस आश्रम के माध्यम से, इस भागवत पीठ भवन के माध्यम से आप सभी श्रीधाम वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों से जुड़े रहें, बस यही एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर बात आती है और वहां कहा है, कस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। इसका भाव क्या है, कस्मात्
केनाप्युपायेन, किसी भी उपाय से मन कृष्णे निवेशयेत, हमारा मन श्री कृष्ण चरणों में रमा रहे। उपाय कोई भी हो, चाहे वृंदावन दर्शन का हो, चाहे सत्संग का बहाना हो, कोई भी उपाय कोई भी बहाना हो, लेकिन बस उसका मूल लक्ष्य यह है कस्मात के नाप्युपाय न, ये मन हमारा ठाकुर जी के चरणों में रमा रहे। तो यही भावना को लेकर के यहाँ वृंदावन में ये भागवत पीठ आश्रम आप सभी के लिए आज संयोग से मैं अनलॉक वन में लॉकडाउन सत्संग में तो आप निरंतर सुन ही रहे थे भिन्न भिन्न विषयों को, लेकिन आज भागवत पीठ आश्रम से कुछ आपसे चर्चाएं करेंगे। वैसे आज मेरे को तो अभी अभी मालूम हुआ जब मैं आ रहा था कि हमारे इस धरा पर अब तो बहुत सारे डे मनाने लग गए लोग, बहुत सारे डे, और आज भी एक डे है। और आज कौन सा डे है आपको शायद मालूम होगा, आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये भी एक बड़ी विलक्षणता है। अब यहां हमारी भारतीय संस्कृति में भी, वैदिक सनातन संस्कृति में भी, और हमारे भारत के लोग भी अब डे मनाने लग गए। चलो अच्छा है, कभी मदर्स डे मनाते हैं, कभी फादर्स डे मनाते हैं, कभी कभी टीचर्स डे मनाते हैं, तो आज तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आज थोड़ा इसी पर चर्चा करेंगे। ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे क्या है, इसका सीधा एक मैसेज है उस अन्न का संरक्षण। एक शब्द में कहूं, एक पंक्ति में कहूं, उस अन्न का संरक्षण। जो अन्न हमको जीवन देता है, हमें प्राण शक्ति देता है, उस अन्न को हम बर्बाद ना करें। सीधे शब्दों में आजकल यही हो रहा है। आज वर्तमान परिवेश की मैं यदि बात करूं, आज वर्तमान समय में लोग उस अन्न का अनादर कर रहे हैं, उस अन्न का तिरस्कार कर रहे हैं, वर्तमान समय में उस अन्न का सम्मान नहीं हो रहा है। और हमने देखा है, आप भी देखते हैं, लोग खाते हैं और फेंकते भी हैं। एक बात कहूं, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने हम सबको खाने का अधिकार दिया है, फेंकने का अधिकार नहीं दिया, बर्बाद करने का अधिकार नहीं दिया। उस परमात्मा भगवान ने हमको उस अन्न को खाने का अधिकार दिया, लेकिन बर्बाद करने का नहीं। आज लोग ऐसा ही करते हैं, खाते भी हैं, फेंकते भी हैं, बर्बाद भी करते हैं, ये हो रहा है। आज के दिन जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, इस पर मैं यही मैसेज कहूंगा आप सबको, उस अन्न का सम्मान करें, उसका आदर करें। और आपको कह दूं, जो अन्न का सम्मान करता है, अन्न उसका सम्मान करता है। सीधी थ्योरी है। आज हम लोग देखते हैं रास्ते में, जब हम आते हैं जाते हैं कहीं इधर उधर, तो वहां आपने देखा होगा जो भूखे लोग बैठे रहते हैं, ये जो रास्ते में भिखारी बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, जो भोजन के लिए, अन्न के लिए याचना करते हैं, ये बैगर्स, ये भिखारी, ये हमको एक संदेश दे रहे हैं, हमको सावधान अलर्ट कर रहे हैं। देख लो, हमने भी ऐसी गलती की, हमसे भी ऐसी ही गलती हुई कि हमने अन्न का सम्मान नहीं किया, उस भोजन का सम्मान नहीं किया, उसका आदर नहीं किया, उसका निरादर किया। आज हमारी स्थिति यह हो गई कि हम रोड पर हैं, सड़क पर हैं और भूखे हैं, अन्न की याचना कर रहे हैं,
ये भिखारी हम सबको यही एक मैसेज करते हो। तो मैं ये कहूंगा जो अन्न है, जो अन्नपूर्णा माँ है, उसका हमें आदर करना ही चाहिए। दूसरी बात आपको कह दूं, ये जो हमारे घर के दरवाजे पर कभी कभी कोई महात्मा आते हैं, कोई भिखारी आते हैं और कुछ याचना करते हैं, ये मांगने नहीं आते, ये याचना करने नहीं आते, ये जो भिखारी हैं हम सबको अलर्ट करने आते हैं, सावधान करने आते हैं कि याद रखना हमने किसी को खिलाया नहीं, हम खा कहां से सकते हैं। और सच है, हमने किसी को खिलाया नहीं, हम खा कैसे सकते हैं, हमको हमने किसी को पहनाया नहीं, हम पहन कैसे सकते हैं, हमने किसी को ठहराया नहीं, हम कैसे ठहर सकते हैं। कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है, ये निश्चित मानिए। आज इस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर मैं आप सबको यही एक मैसेज दूंगा, हम सबको उस अन्न का सम्मान करना है। और एक और बात कह करके यहां इस विषय को विराम दूंगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, ऐसा वैसा मत खाना। अब तो ये बहुत बड़ी एक लीला हो गई ठाकुर जी की, और मैं तो ये कहूंगा कि ये भगवान की ही लीला है। कोविड-19 कोरोना, यदि ये विषम परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आती, संकट की घड़ी नहीं आती, तो हम सावधान नहीं होते। स्थिति क्या थी, जब देखो तब हम घर से बाहर खा रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो खा रहे हैं। यदि राजसी अन्न खाएंगे, तामसी अन्न खाएंगे, तो हमारी बुद्धि भी राजसी हो जाएगी, तामसी अन्न खाएंगे, हमारी बुद्धि भी तामसी हो जाएगी, वही स्थिति मन बुद्धि की हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन। आज चारों ओर लॉक हो गया सब कुछ, सब लोग अपने घर में हैं, और जब घर में हैं, परिवार के साथ हैं, तो आज आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, आहार भी उनका सुधर गया। इस आपदा ने हमारे जीवन में एक परिवर्तन तो अवश्य कर दिया, हमारे आहार और विहार को सुधार दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। इस विषम परिस्थिति ने हम सबके जीवन में एक परिवर्तन ला दिया, हमारा आहार सुधर गया, यानी हमारे जीवन में जो एक सात्विक भोजन है, सात्विक अन्न है, उसी को हम ले रहे हैं। हमारा विहार भी बदल गया, हमारा इधर उधर जाना आना सब बंद हो गया, और हम एक स्थान पर, ये एक हम इसको पॉजिटिव वे में लें, यदि इस सकारात्मक सोच के रूप में हम लें। और मैंने अभी दो दिन पूर्व भी कहा था, जिस दिन एनवायरमेंट डे था, यानी पर्यावरण दिवस था, कि इस लॉकडाउन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण, इस वैश्विक महामारी के कारण, मैं तो कहूंगा संपूर्ण प्रकृति ने स्नान कर लिया, संपूर्ण प्रकृति ने, चारों ओर निर्मलता आ गई, निर्मलता आ गई, वो जो प्रदूषण था, जो पॉल्यूशन था, सब दूर चला गया, आहार सुधर गया, विहार सुधर गया। और मैंने पहले भी कहा है, आहार और विहार ये दो शब्द ऐसे हैं, एक मानव, एक इंसान की जो पहचान है, उसकी जो मनस्थिति है, उसकी मनस्थिति की जो पहचान है, वो हमारे आहार से और विहार से होती है। आहार और विहार से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की मनस्थिति क्या होगी, इसके विचार कैसे होंगे, इसका एटीट्यूड क्या होगा, इसका रहन सहन क्या होगा, ये आहार विहार से पता चलता है। इसलिए हमको इस विषय पर विशेष ध्यान रखना है, और इस चीज को हमें अपने नेचर में लेके आ जाना है कि अब हम अपने आहार पर नियंत्रण करें, और हम अब अपने आहार पर विहार पर भी नियंत्रण करें, स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज इस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर यही एक मेरा संदेश, मैसेज है। आइए कुछ
दो मिनट हरि चर्चा करेंगे, थोड़ा दो मिनट हरि नाम संकीर्तन, क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते दिन में रात में भीतर बाहर पवित्र अपवित्र हर अवस्था में भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान का नाम निकलता रहे, यही भजन है, यही भजन है। भजन क्या है? भजन यही है। ऐसा मत सोचेगा कि माला लेकर के जब करें तो भजन कहलाएगा, वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने आएंगे तो भजन कहलाएगा, क्या दो घंटे बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे तो भजन कहलाएगा, हवन करेंगे पाठ करेंगे पूजा करेंगे तो भजन कहलाएगा। अरे ये सब भी भजन है, लेकिन भजन ही क्या है? बोले भजन ही से तात्पर्य है उठते बैठते चलते फिरते दिन में रात में भीतर बाहर हर स्थिति में किसी भी देश में रहें किसी भी परिवेश में रहें भगवान की याद बनी रहे भगवान का स्मरण बना रहे, इसी का नाम भजन है। और इस विषम परिस्थिति में इस संकट की घड़ी में हमको एकमात्र यदि सहारा है तो भगवान की स्मरण का, भगवान की स्मृति हमारे मानस में बनी रहे और चलते फिरते भगवान का नाम निकलता रहे, नाम। और आप सबको तो मालूम ही है, इतनी बार आपने सत्संग में सुना है, हाँ, इस कलिकाल में इस कलयुग में नाम ही तो एकमात्र सुलभ साधन है। हरेर नाम हरेर नामो हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कलयुग केवल नाम आधारा। दो मिनट हरि नाम संकीर्तन करते आज का थोड़ा विषय उठाएंगे। आप सब लोग जहां जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जिस परिवेश में बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, मेरे बाद सब लोग वहीं बैठे बैठे गुनगुनाएं, क्योंकि ये नाम ही एकमात्र सहारा है, यही हमें इस संकट से उबार करके ले जाएगा। आइए बैठे बैठे थोड़ा सा गुनगुना लें, थोड़ा गुनगुना लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज जो एक समय चल रहा है, आप सभी को मैं दो चार बातें कहना चाहूंगा। अपने आत्मबल को कमजोर ना होने दें, आत्मबल विल पावर, और आत्मबल के लिए यदि कोई साधन है कोई उपाय है तो केवल हरि भजन है, भगवान का भजन है।
कि भगवान का स्मरण, सुमिरन, कीर्तन, भजन यही हमारे आत्मबल को मजबूत बनाएगा। अक्सर ऐसा होता है जब हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कहाँ जाएं, किसको कहें। अब देखो ना, इस महामारी में हमारे पुरुष भाई को इसी चिंतन में है, अरे व्यापार गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, आर्थिक स्थिति का क्या हाल हो गया। हमारे पुरुष भाई इसी चिंतन में, इसी मनन में लगे हैं, अरे जो होना है वो हो गया, जो होना होगा वो होगा। आप तो अपने उस आत्मबल को बनाए रखो। एक बात सोचो, जिस अर्थ के लिए आप चिंतन कर रहे हो, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, व्यापार बिगड़ गया, मैं आप सबसे पूछता हूं, जिस दिन आप आए थे इस धरती पर, एक बार बैठ करके चिंतन करना, जिस दिन आप इस धरती पर आए थे, आप कुछ लेकर आए थे? क्या लेकर के आप आए थे बताओ? सब जानते हैं खाली हाथ आए थे, और जो कुछ मिला इसी धरती पर मिला, जो कुछ अचीवमेंट, जो कुछ अचीव हुआ इसी धरती पर हुआ। तो जब कुछ लेकर के आए नहीं, और ये भी हम अच्छी प्रकार जानते हैं, हम कुछ लेकर भी नहीं जाने वाले। सारी जिंदगी हम लोग आयास प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, उद्योग करते हैं, सारे जीवन लगे रहते हैं, लेकिन चिंतन करो, विचार करो, सब जानते हैं जिसके लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो, क्या वो साथ जाएगा, क्या लेकर जाओगे? कई लोग तो सोच रहे हैं, महाराज श्री ये तो हम सब जानते हैं, ये कोई आप नई बात नहीं सुना रहे, ये तो हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं आप लोग ऐसा ही विचार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है, आप सब जानते हैं लेकिन जानते हुए भी आप मानते नहीं हैं, बस यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जानते हम सब कुछ हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। दुर्योधन ने भी यही कह दिया, केशव मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मेरी स्थिति क्या है, बोले धर्म के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है और अधर्म से मैं निवृत्त नहीं हो पाता। शब्द पर ध्यान देना, दुर्योधन ये जानते थे कि मैं अधर्म कर रहा हूं, और श्री कृष्ण ने जब कहा, अरे दुर्योधन ये उचित नहीं है, ये अन्याय कर रहे हो, तुम अधर्म कर रहे हो, अनीति कर रहे हो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कह दिया, केशव मैं जानता हूं जिस धर्म और अधर्म की आप व्याख्या कर रहे हो, मैं भी जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मेरी एक स्थिति ऐसी हो गई कि धर्म के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है और अधर्म मेरे से छूट नहीं पाता। वही स्थिति आज हमारी है कि हम जानते हैं, सब कुछ सुन रखा है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं है। और अक्सर मैं एक सूत्र बोलता हूं जीवन के लिए, आप सब लोग इस पर चिंतन कीजिएगा, संग्रह में विषाद है। शब्द पर ध्यान दीजिए, संग्रह में विषाद है, प्रत्याग में प्रसाद है। जीवन में जहां संग्रह होगा और जहां संग्रह वृत्ति आएगी, वहां केवल और केवल विषाद होगा, केवल विषाद, शोक, विषाद माने शोक, पश्चाताप। लेकिन जहां त्याग भाव जीवन में आएगा, त्याग, तो त्याग का परिणाम फल क्या है, बोले त्याग हमको प्रसाद की प्राप्ति, यानी हमें प्रसाद मिलेगा। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, शांति कब जीवन में, बोले शांति पकड़ने में नहीं है, शांति त्याग में है, त्यागात शांति रणंतरम,
जब तक त्याग नहीं होगा तब तक जीवन में शांति मिल नहीं सकती, आ नहीं सकती। अनुभव करके देख लीजिएगा। आज त्याग वृत्ति नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, हम छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ करके बैठे हुए हैं। यही है एक अशांति का मूल कारण। जानते सब कुछ है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और वो शास्त्र का एक कथन मुझे याद आ रहा है, साथ जाने वाला क्या है? बोले जिसको आप अपना मान के बैठे हो वो साथ जाने वाला नहीं है। साथ तो केवल एक ही वस्तु जाती है, और वो वस्तु क्या है? बोले धर्मानुगो गच्छत जीव एक। हमारे द्वारा किया गया जो भी धर्म है, जो भी कर्म है, जो भी हम सत्कर्म कर रहे हैं, वही साथ जाएगा। आप लोगों ने इस विषम परिस्थिति कोरोना वायरस के कारण जो भी इन 3 महीनों में अच्छे अच्छे काम किए हैं, लोगों को भोजन कराया, लोगों की राशन की सेवाएं की हैं, किसी का सहयोग किया है, जो भी आपके द्वारा परहित में परमार्थ सेवाएं हुई हैं, वो परमार्थ सेवाएं वो कर्म वो धर्म ही आपके साथ जाएंगे और कुछ साथ नहीं जाना। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। ये कोई साथ जाने वाला नहीं, ना धन जाता, ना नारी जाती, ना बच्चे जाते, अरे यहां तक ये सगे संबंधी भी नहीं जाते। यहां तक इस शरीर को संवारते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, इसको सजाते हैं, ये शरीर भी नहीं जाता, केड़ी मेड़ी लकड़ियों तक जाता है, कोई साथ नहीं जाता। तो जाता क्या है? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एक। किया गया धर्म, किया गया कर्म ही, इसलिए हमको केवल कर्मयोगी बन करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। केवल कर्म करें, कर्म करते चले जाएं, बस हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कर्म, सत्कर्म करते रहें। और मां फलेषु कदाचनो, किए गए कर्मों को ठाकुर जी को ही सौंप दें। हे प्रभु, ये जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, वो आपको ही अर्पण है, आपको ही अर्पित है। मां फलेषु कदाचनो। होता क्या है हमारे जीवन में अशांति कब, कष्ट कब, दुख कब? जब हमारे जीवन में एक कर्तृत्वाभिमान आ जाता है। कर्तृत्वाभिमान माने करने वाला मैं, ये जो ईगो है कि जो भी कुछ हुआ ये मेरे कारण हुआ, ये मैंने किया, यही तो स्थिति है आज। चाहे घर में देखिए, परिवार में देखिए, समाज में देखिए, पारिवारिक परिवेश में, सामाजिक परिवेश में, राष्ट्रीय परिवेश में, एक यही मानस बन गया लोगों का कि करने वाला मैं हूं, ये मेरे कारण है। वो प्रतिष्ठा, प्रशंसा, बड़ाई अकेला लेना चाहता है। ये जो कर्तृत्वाभिमान है, करने वाला मैं हूं, यही है उसकी अशांति का, उसके कष्ट का कारण। आज के मानव की स्थिति तो ये हो गई, मैं तो ये कहूंगा एक मनुष्य की स्थिति, एक चेतन होते हुए भी मानव अपने आप में एक चेतन स्वरूप है, हाँ, उसके पास वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना शक्ति है, लेकिन उसका वो जो कॉन्शियसनेस है, जो उसकी चेतना शक्ति है, वो कहाँ चली गई? एक एक जड़ पत्थर से भी नीचे गिर गई उसकी स्थिति, एक मानवीय स्थिति। मानव अपने मूल्यों को भूल गया, एक जड़ पत्थर से भी नीचे गिर गया, जड़ पत्थर की तरह से। जैसे एक पत्थर होता है ना, जड़ है, जड़ उसमें चेतना शक्ति नहीं है, पड़ा है तो पड़ा है, ना कुछ बोल पा रहा, ना कुछ कर पा रहा। एक एक दृष्टांत के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दूं, क्लैरिफाई कर दूं उसको। एक एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे पत्थरों के ढेर में एक पत्थर पड़ा हुआ था। एक जंगल था, पेड़ था, पेड़ के नीचे कुछ गंदगी थी, उस गंदगी में पत्थरों के ढेर में एक पत्थर पड़ा था। अब वहीं उसी मार्ग से कोई एक राही निकल रहा था। अब इस राही ने क्या किया, वो एक कौतुकवश, जैसे होता है एक
और उस पत्थरों के ढेर से एक पत्थर उठा लिया, ऐसे उठा लिया हाथ में। अब जैसे पत्थर उठाया तो वो पत्थर अपने उन मित्रों को कहने लगा जो नीचे पड़े हुए थे। पत्थर अपनी जुबान में कहने लगा, अपनी उसकी जुबान होगी कोई, अपने मित्रों को कहने लगा, मित्रों तुम पड़े हो नीचे वही उसी गंदगी में, लेकिन मेरे को देखो, केवल मेरे को उठाया इसने, तुमको नहीं उठाया, केवल मेरे को उठाया, मेरे को उठाया। और इस राही ने क्या किया, जिस पत्थर को उठाया हाथ में था, इसे होता है ना कई बार बचपन में आपने देखा होगा, बच्चे खेलते रहते हैं, कई बार बड़े बड़े भी लोग कौतुक करते हैं, थोड़ा सा खेल खेल करते हैं, और जो हाथ में पत्थर था उस पत्थर को इस राही ने ऐसे ऊपर की ओर उछाला। अब जैसे ऊपर की ओर उछाला वो जड़ पत्थर अपने उन्हीं मित्रों को मन ही मन कहने लगा, मेरे मित्रों जरा मेरे को देखो, तुम्हारे साथ रहता था, हम आपस में बात किया करते थे, पक्षियों को देख करके, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सैर कर रहे हैं, काश हमारे भी पंख आ जाएं, पर लग जाएं, तो हम भी इन पक्षियों की तरह आकाश मंडल का भ्रमण करें, सैर करें, लेकिन आज मुझे देखो, तुम्हारे अरमान धरे रह गए लेकिन मेरा संकल्प पूरा हो गया, आज मेरे पंख लग गए, मैं आकाश में उड़ रहा हूं, मैं आकाश में उड़ रहा हूं। उठाया था उस राही ने, मेरे को उठाया,